हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। देखिए, जिन बच्चों का रीट का पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, जो आगामी जो आप लोगों के लिए भर्ती आने वाली है, जिसमें संस्कृत डिपार्टमेंट की तरफ से, संस्कृत जो विभाग है इसकी तरफ से जो है थर्ड ग्रेड की जो है वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और जल्द ही आपको देखने को मिलेगी, मार्च के अंतिम सप्ताह में ये विज्ञप्ति जो है वो जारी हो जाएगी, ठीक है। सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं आप लोगों को जो है ये बता रही हूँ। यहाँ पर पद जो है वो आपको 2000 से भी ज़्यादा पद जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो लेवल 1 के हों और लेवल 2 के हों, तो परेशान नहीं होना है। जो भी तैयारी आपने की है, मैंने आपसे कहा, बिल्कुल भी जो है बर्बाद नहीं होगी आप लोगों की तैयारी, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस जो है ये भी मैंने पता किया है, सिलेबस जो है ये वही रहने वाला है जो आपका अभी रीट मेंस का सिलेबस था, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। संस्कृत डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ये एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिस तरीके से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो है आपका रीट का एग्ज़ाम हुआ। यहाँ पर जो है वैकेंसी जो है वो आप लोग देख रहे हैं, 2000 से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से धीरे धीरे जो भी वैकेंसीज आएंगी वो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करती जाऊँगी, और आप लोग जो हैं यहाँ पर जो है ध्यान दें, परेशान नहीं होना है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला कि एनसीईआरटी बुक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन बच्चे जो हैं वो अभी बिल्कुल भी मेंटली जो है वो तैयार नहीं हैं, तो इस वजह से हम जो है होली के बाद जो है स्टार्ट करने वाले हैं। और मेरे द्वारा आप लोगों के लिए क्या किया जाएगा, जो भी मैटर होगा आपके सिलेबस से रिलेटेड, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, बिल्कुल आप लोगों को फ्री पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके का जो है वो चार्ज नहीं होगा, चाहे मैं आप लोगों को जो है नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊं, चाहे एनसीईआरटी बुक जो है, कुछ भी जो मेरे द्वारा आप लोगों को दिया जाएगा बिल्कुल फ्री जो है वो आप लोग पढ़ेंगे। तो जो भी मेरे से होगा वो मैं आप लोगों के लिए करूँगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से जो है पॉजिटिव वे में सोचते हुए, अपने आप को जो है परेशान ना करते हुए, और आगे के वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।